मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, लीव रूल सीरीज़ के तहत हम लोगों ने बहुत सारे लीव रूल्स के बारे में चर्चा किया है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी किसी भी कर्मचारी को अगर लीव लेना है तो उसे HRMS के लीव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही लीव लेना पड़ता है। मित्रों, इसके लिए हमें अपना HRMS ID खोलना होगा, लीव मैनेजमेंट सिस्टम में जाना होगा और वहाँ पे न्यू लीव एप्लीकेशंस इसमें आना होगा। जब हम यहाँ पे आते हैं तो उसमें हमें नेचर ऑफ लीव इस पे जाना होता है। इसमें जाने के बाद जितने प्रकार के लीव आप कर्मचारी ले सकते हैं वो सभी इसमें आ जाता है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे लीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, CL जो है वह हर रेल कर्मचारी को दिया जाता है। अगर मिनिस्ट्रल स्टाफ है तो उसे 8 दिया जाता है और जो लाइन स्टाफ है उन्हें 10 दिया जाता है। जो RH है वो जो मिनिस्ट्रल स्टाफ जिन्हें 8 CL दिया गया था तो 2 उन्हें RH दिया जाता है। तो अगर कर्मचारी RH के लिए अप्लाई करता है तो उसे इसके माध्यम से अप्लाई करना हो। उसके बाद है लीव ऑफ एवरेज पे LAP, इसकी विषय में चर्चा की जा चुकी है। LHAP के बारे में भी चर्चा की जा चुकी है। कोई कर्मचारी विदुर है, उसकी पत्नी नहीं है और उसके बच्चे हैं तो उसके देखभाल के लिए भी CCL दिया जाता है, तो कर्मचारी इसके लिए एप्लीकेशन कर सकता है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं, इसमें मैक्सिमम लीव के बारे में चर्चा की जा चुकी है जिसका वीडियो बनाया जा चुका है। YouTube पर रेल मदद करके चैनल है, आप वहां पर जा कर के और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। लीव कम्यूटेड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लीव है जिसके बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई कर्मचारी सिक में जाता है, सिक से आने के बाद उसे लीव कम्यूट करना ही पड़ता है। अगर वो कम्यूट नहीं करता है तो उसे आधे दिन का पेमेंट होगा, अगर वो कम्यूट कर लेता है तो उसे पूरे दिन का पेमेंट मिलता है। उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसके विषय में हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। आगे है फैमिली प्लानिंग लीव, कि कर्मचारी अगर उसकी फैमिली अगर प्लानिंग करती हैं तो उन्हें स्पेशल लीव दिया जाता है, तो इसके बारे में वो लोग यहाँ आके एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे अगर कोई कर्मचारी हेडक्वार्टर लीव लेना चाहता है, अगर रेस्ट में कर्मचारी कहीं बाहर जाना जाता है तो उसे हेडक्वार्टर लीव लेना पड़ता है, तो इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन कर सकता है। आगे है ज्वाइनिंग टाइम, अगर कोई भी कर्मचारी जिसका ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट पे होता है तो कर्मचारी को 10 दिन या 12 दिन की छुट्टी दी जाती है। वो कर्मचारी अगर वो छुट्टी लेना चाहता है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम का के लिए एप्लीकेशन करना होगा। अगर वो कर्मचारी ज्वाइनिंग टाइम नहीं लेना चाहता है, उसे अपने APL में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो लीव जो है वो ज्वाइनिंग टाइम उसे LAP में कन्वर्ट कर सकता है। लीव नॉट ड्यू, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पैटर्निटी लीव, इसकी चर्चा की जा चुकी है, वीडियो बने हुए हैं। अभी कोई कर्मचारी स्पेशल कैजुअल लीव लेना चाहता है, चाहे वह ब्लड डोनेट किया हो, चाहे वह यूनियन एक्टिविटी में हो या फिर वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो, अगर कर्मचारी को स्पेशल लीव मिलता है तो इसके माध्यम से एप्लीकेशन कर सकता है। स्टडी लीव के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव, जो IOD इंजुरी ऑन ड्यूटी का ही एक दूसरा रूप है, जिसके विषय में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। मित्रों, तो आज हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग इसके जो रूल्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों नमस्कार, तो हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के बारे में जो डिटेल बताया गया है वो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर नंबर 5 के नियम संख्या 530 में की गई है। और यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह रेलवे में स्थायी हो अथवा अस्थायी, उन्हें ये लीव लेने का अधिकार है। लीव वे कर्मचारी भी ले सकते हैं जिनके पास दूसरा कोई लीव नहीं बचा हो, वो भी इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं।
और वह कर्मचारी जिनका लीव बचा हुआ है, फिर भी अगर वो चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लें, या जिसे हम लोग हिंदी में असाधारण लीव कहते हैं, तो वो लीव ले सकता है। अस्थायी कर्मचारी भी है तो वो भी बिना किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र के 3 महीने चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ 6 महीने तक का लीव ले सकता है। लेकिन अगर वह परमानेंट रेलवे कर्मचारी है जिसकी सेवा कम से कम 1 साल की हो चुकी है, तो वो कर्मचारी भी छुट्टी ले सकता है, जो कि 18 माह तक उसकी छुट्टी हो सकती है। लेकिन इसके लिए उस कर्मचारी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वह कर्मचारी टीबी पेशेंट हो, उसे कुष्ठ रोग हो गया हो, उसे कैंसर हो या मानसिक तनाव हो, तो इन सभी बीमारियों पर कर्मचारी जो है वो 18 महीने तक का छुट्टी ले सकता है। लेकिन इसके लिए उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कर्मचारी अगर पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका पढ़ाई जनहित में अगर होता है, तो वो कर्मचारी जो है वो असाधारण छुट्टी ले सकता है। लेकिन इसके लिए एक बॉन्ड दिया हुआ है। आप कभी भी असाधारण छुट्टी लेते हैं तो आपको रेलवे के साथ एक कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। मैं जो ग्रुप क्लर्क हैं उनको खास रूप से बताना चाहूँगा कि आप कोई भी असाधारण छुट्टी किसी भी कर्मचारी को देते हैं अथवा उनका अप्लीकेशन आता है, तो उसमें ये बॉन्ड पेपर है अथवा नहीं है ये आपको देखना ही पड़ेगा। जो बॉन्ड पेपर है वो एनेक्सल 2 में दिया हुआ है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड में दिया हुआ है। आप उसको उस बॉन्ड पेपर के फॉर्मेट को बना करके आपको उसको भरना पड़ेगा। और इसमें जो कर्मचारी जिस लेवल पे हैं उससे हायर लेवल के 2 कर्मचारियों का एज ए गवाह गवाह साइन होना जरूरी है। अगर कर्मचारी बॉन्ड पेपर भरता है, बॉन्ड पेपर को उसको जो HRMS के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं, लीव एप्लीकेशन देते हैं, तो उस समय आपको अटैच करना जरूरी है। साथ में आपका जो जो सर्टिफिकेट है जिस रोग से आप पीड़ित हैं उसका जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। अभी ये जो सक्षम प्राधिकारी हैं उसको सैंक्शन दे सकते हैं। और इस छुट्टी की खासियत एक और है कि कोई भी कर्मचारी अगर एबसेंट है तो वो चाहता है तो अपना जो एबसेंट पीरियड था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकता है। और सक्षम प्राधिकारी जो ब्रांच ऑफिसर हैं वो अगर उनके एप्लीकेशन से संतुष्ट हैं, कर्मचारी के एबसेंट का लीगल कारण है, तो वो जो सक्षम प्राधिकारी हैं उसके मंजूरी दे सकते हैं। जो पुराना कर्मचारी का एबसेंट पीरियड था उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है इसको CL को छोड़ करके, CL से इसको नहीं जोड़ा सकता है, बाकी सारे लीव के साथ इसको जोड़कर लिया जा सकता है। और सारे लीव को जोड़ करके मैक्सिमम 5 साल होगा, जिसकी अनुमति जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के मंजूरी के बाद ही दिया जा सकता है। मित्रों आपसे अनुरोध है कि इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।